रिम्स में बुधवार को हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर की चौथी वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर HTC के इंचार्ज डॉक्टर गोविंद सहाय ने कहा कि हीमोफीलिया के मरीजों के लिए फिजियोथेरेपी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली की देखरेख में हम लोग पिछले 4 सालों से काम कर रहे हैं। हीमोफीलिया से ग्रसित लोगों को काउंसलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इससे ग्रसित लोगों को रक्तस्राव होता है तो उन्हें फौरन चिकित्सकों से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम लोगों को हीमोफीलिया के मरीज को डे केयर फैसिलिटी देते हैं। जब भी मरीज आता है यहाँ पे मुक्ता जी और सुभद्रा टेक्नीशियन है, मुक्ता जी यहाँ पे ये काउंसलर है, तो ये मरीज का रजिस्ट्रेशन करती हैं। उसके बाद सुभद्रा जी उसका टेस्ट करती हैं, या अगर पहले से टेस्टेड मरीज है तब तो हमारे रजिस्टर में मिल जाए। और ये सब चीज़ अभी रजिस्ट्री पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है वर्ल्ड वाइज। वहीं रांची चैप्टर के सचिव संतोष जायसवाल ने कहा कि इस केंद्र के शुरू होने से मरीजों को काफी राहत मिलेगी। पहले मरीजों को इलाज में काफी समस्या हो रही थी। सेंटर के शुरू हो जाने के बाद ग्रसित लोगों की जाँच, इनहिबिटर टेस्ट समेत अन्य व्यवस्था की शुरुआत हुई है और मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारी सुविधाएं हमारे पास हैं, जांच करना हो, इनहिबिटर टेस्ट करना हो, या ऑल इंडिया लेवल पे हेमोफीलिया रोकने के लिए जो प्रीनेटल डायग्नोसिस और कैरियर डिटेक्शन है वह भी हम लोग यहाँ से टेली मेडिसिन के माध्यम से करवाते हैं। तो इससे यह फ़ायदा हो गया कि सारे रोगियों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, सारा काम यहाँ होता है। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे हड्डी विभाग के द्वारा अच्छे खासे सर्जरी किए जाने लगे, जो लोग सोचता था कभी भविष्य में ऐसा होगा। उन्होंने कहा कि 10 जिलों में हीमोफीलिया डे केयर सेंटर का भी संचालन हो रहा है, साथ ही 3 मेडिकल कॉलेज में भी हीमोफीलिया सेंटर का संचालन हो रहा है। किसी तो झारखंड का एक ये नोडल सेंटर है, सुन है, और बाकी जो डे केयर सेंटर खुला गया इसी का रूपांतरण है वो चूँकि वो सरकार से फैसिलिट है और ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन से फैसिलिट है। तो इसमें क्या है कि लोग प्राइवेट लोग होते हैं तो मन से काम करते हैं गवर्नमेंट का, लेकिन जो हमारे जो डे केयर्स खुल रहे हैं अभी 10 जगह खुल गए, 10 जिला अस्पताल में और 3 मेडिकल कॉलेज में है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो ट्रीटमेंट का जो फैसिलिटी था वो धीरे धीरे हम लोग इसको वन स्टेट वन ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं। जो फैसिलिटी हमारे यहाँ पे है वही फैसिलिटी हम चाहते हैं कि अन्य डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में डेवलप हो। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।